की नेताओं की जमानतें जब्त करवाने का काम करेगा जी। नमस्कार, मैं आपकी रागनी और आप देख रहे हैं रागनी टाइम्स। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी की ओर से तीसरी उम्मीदवारों की सूची तय कर दी गई है और जारी कर दी गई है, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। आइए हम बात करते हैं जनपद शाहजहांपुर में सपा की ओर से जारी किए गए लोकसभा के उम्मीदवार के बारे में। जी हाँ, जो शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो है राजेश कश्यप। राजेश कश्यप पहले दिल्ली में थे, फिर फरीदपुर में आकर बस गए और अब चुनाव आते ही शाहजहांपुर के बरेली मोड़ स्थित एक कॉलोनी में अपना ठिकाना बना लिया है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार थोड़ा गर्म है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा राजेश कश्यप को टिकट देने को लेकर पार्टी में अंदरखाने विरोध जो है उसकी सुबुगाहट फिलहाल शुरू हो गई है, क्योंकि टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिस पर बाहरी का ठप्पा लगा हुआ है। जनता के साथ साथ नजदीकियां जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसको लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लोगों ने तो यहां तक के कह दिया कि राजेश कश्यप को कोई जानता तक नहीं है, वो शाहजहांपुर में कभी दिखे नहीं, तो ऐसे कैसे, किस उम्मीद से वो शाहजहांपुर में चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं शाहजहांपुर में ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना आवेदन किया था। तो समाजवादी पार्टी से शाहजहांपुर में नंबर एक पर थे उपेन्द्र पाल सिंह, दूसरे थे कमल किशोर कठेरिया और तीसरे राजेश कश्यप। फिलहाल जो टिकट है वो राजेश कश्यप की झोली में गया है। अब बात करते हैं कि उपेन्द्र पाल के बारे में। उपेन्द्र पाल सिंह जो है वो 2022 में पोवाया विधानसभा से लोकसभा चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। फिलहाल वो उपविजेता रहे थे वहां पर। अच्छा खासा उनका जनसंपर्क है। उनकी पत्नी नीतू सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। जमीनी स्तर के व्यक्ति रहे, जनता से उनकी जो नजदीकियां वो काफी अच्छी हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़े हैं, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, तो जाहिर सी बात है जनता में उनका एक अच्छा परिचय है, एक पहचान बनी हुई है। बात अगर कमल किशोर कठेरिया की करें तो वो पूर्व कमिश्नर हैं। हाँ, रिटायरमेंट के बाद उनका जो जन्म स्थान है वो शाहजहांपुर है, इसलिए उन्होंने आवेदन किया और वो शाहजहांपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन दोनों को रिजेक्ट करते हुए राजेश कश्यप को टिकट दे दिया, इसलिए शायद ये विरोध की वजह बनी हुई है और अंदर खाने इसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। जो व्यक्ति पार्टी में सालों से लगा हुआ था तो उनका जो वर्चस्व है वह सिर्फ क्या पार्टी में झंडा उठाने और रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए है। ये जो सालों से पार्टी में काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उनका काम केवल क्या जयंती और पुण्यतिथि मनाने तक सीमित है। राजेश कश्यप को समाजवादी पार्टी में टिकट मिलने के बाद दूसरी पार्टी को वॉक ओवर देते दिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब दूसरी पार्टी और स्ट्रांग अपने आप को महसूस करने लगी। उनका एक बयान काफी वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार से जो भी चुनाव, भाजपा की पार्टी से जो भी चुनाव लड़ता है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि नेताओं की जमानतें जब्त करवाने का काम करेगा जी। शायद ये कुछ ज्यादा हो गया। तो फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जो नाम है वो सामने आया है, लेकिन तय आपको करना है कि पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार अगर बाहर से आया हुआ है, आपको सोचना है, वोट आपको करना है, लेकिन हाँ आपको वोट जरूर करना है। तो आप सोचें कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी समस्या, आपकी बात को संसद तक रिप्रेजेंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।